हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो मेरे यहाँ एक सीलिंग फैन बनने के लिए आया है, तो देखिए इसका ऐसे ही खोल उल के आदमी लाता है यार भाई। तो मैं इसको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है और क्या करना है। देखिए दो नट खुला ही हुआ था इसका, और इसमें कैपेसिटर था। देखिए यही कैपेसिटर था, ये पावर का ये तो बाद में लगा हुआ है। पावर 225 वन ऐसे करके है, पता नहीं कौन सी कंपनी है। तो मैं इसको पहले तो इसको चेक करना है, मान लीजिए बनने के लिए। तो मैं इसको सीरीज में लगा के आपको लीड कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो ये देखिए बता रहा है सप्लाई, इस पर सप्लाई नहीं है, मतलब लूज थोड़ा है। मैं देखता हूँ क्या करना पड़ेगा इसको, तो इसके लिए हमें इसको खोलना ही पड़ेगा। तो इसको हटाते हैं साइड में और थोड़ा इसको खोल के देखते हैं क्या हुआ है। आप ही देखिए, ये दो मिनट तो ये खुला हुआ है, मतलब खोल के ही लाए हैं भाई। ऐसे आदमी खोल के भी देखता है क्या हुआ है। लोकल कंपनी का समझ लीजिए, एक पंखा तो लग रहा है लोकल कंपनी का है। देखिए इसका मतलब दो सप्लाई जो दिखा रहा था, तो मैं बताया कि ये दो जो लूप बता रहा था, तो ये लूप देखिए क्या हो गया, ये निकल गया, जल गया है, इसमें से था रनिंग का। तो देखिए स्टार्टिंग का सप्लाई दिखा रहा है और रनिंग पूरा जल चुका है, और देखने में लगता है जो गांव देहात में होता है ना इनाम वाला पंखा, तो क्या करते हैं लोग, अच्छा मतलब ये सोच के लेते हैं मुझे सस्ता पड़ रहा है, इनाम वाला पंखा ले लेते हैं। ये लगता का ये 100% वही है इनाम वाला पंखा। तो ये बनाने का बात ये है कि मान लीजिए इसको बाइंडिंग करेंगे, ठीक। तो बाइंडिंग करने का क्या है, ये पंखा बाइंडिंग करने के बाद भी ये सही चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें 100% यही एलमुनियम वाला तार डाला रहता है कंपनी, और टर्न भी बहुत कम रहता है। मान लीजिए मैं इसको छील के भी दिखा दे रहा हूँ, देखिए एलमुनियम का सफ़ेद दिखाई दे रहा है, देखिए एलमुनियम का तार है, देखिए टूट भी जा रहा है। अगर मैं इसको बनाता हूँ तो भी ये मुश्किल है, चलेगा नहीं, एक आध महीने चलेगा, क्योंकि अच्छा अगर इसका डाटा भी बन जाए तो इसका स्टेटर का क्वालिटी सही नहीं रहता, इसका ये छल्ला भी सही नहीं रहता, क्वालिटी बहुत ख़राब रहता है। तो भाई क्या किए थे, जब एक कंडेंसर इसके साथ था, घूम नहीं रहा था, तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का देखिए हावेस का कंडेंसर जब डाले हैं, तो अभी ये ज़्यादा पंखा चला भी नहीं है ज़्यादा दिन। और ये देखिए एक कंडेंसर डालने के बाद इसका कंडीशन देखिए कैसा हो गया। तो मैं एक गुजारिश, मतलब मुझे यही बताना है कि ऐसे पंखे ना आप भरिए और ना ही किसी को खरीदवाइए, ना ही सबको मतलब बताइए कि ऐसा पंखा ना ही ले तो अच्छा है। तो भाई ये आप ध्यान दें, देखिए इस पर कुछ लेबल भी नहीं है, ये स्टिकर चिपका है वीडियोकॉम अच्छी कंपनी का स्टिकर, लेकिन ये बनावटी स्टिकर होता है, अच्छी कंपनी ऐसे स्टिकर नहीं लगाती है। और या तो बॉडी पे डाई किया होता है पंच से रिपीट द्वारा, मतलब लेबल लगा होता है अच्छे से दिखता है। तो आप भी ऐसा सामान मत ही लें। अब मैं इसको भाई पूछ के बनाऊंगा, क्योंकि ये बनने पर भी चलता नहीं है, मैं इसको बांध ही देता हूँ। तो मुझे मतलब यही बताना था, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए भाई, मतलब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। जय हिंद।